हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस कुर्ती की कंप्लीट डिजाइनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, स्लीव में डिजाइन लगाना सीखेंगे, और प्लीट्स वाली कुर्ती में हम किस तरह से मार्किंग करके सेंटर में लेसेस को अटैच करते हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगी। तो कंप्लीट वीडियो है फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा, इसे अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये हमारी कुर्ती है फ्रेंड्स, और ये मैं लेस यूज़ कर रही हूँ। ये टोटल 8 मीटर लगी है, क्योंकि 44 इंचेस मैंने इसकी कटिंग लेंथ कट की है, उसी के हिसाब से इसमें लेस जो है वो 8 मीटर यूज़ हुई है। और फ्रेंड्स, ये प्लीट्स वाली कुर्ती है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी मार्किंग पहले सेट करनी है कि कितनी स्पेस में हमें ये लेस लगानी है। तो जो भी हमारी प्लीट्स हैं उसके सेंटर में हमें देखनी है स्पेस कितनी बच रही है। आप चाहें तो जो ऊपर वाली जो हमारी प्लीट होती है, जो शोल्डर में से निकल के आती है, उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं लेंथ को। इससे आप लेस और भी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे अगर विड्थ वाली यूज़ कर रहे हो। तो मेजर करने के बाद मैंने सेंटर से दोनों साइड 4.2 इंचेस पे मार्किंग की है इस तरह से, और दोनों ही साइड मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है एंड तक। और इसी फ्रेंड्स लाइन के ऊपर जो हम लेस अप्लाई करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है वो 8.5 इंच है दोनों लाइनों के बीच। तो हमें क्या करना है, हमें जो है लेस की फ्रेंड्स जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ टर्न करेंगे, और इतनी मार्क के ऊपर हमें लेस को रखना है। जो ऊपर हमें शो हो रही है वो लेस की उल्टी साइड है फ्रेंड्स, और मुझे लेस के सिर्फ फ्लावर्स वाले डिजाइन ही शो करने, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये जो है सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये लेस मुझे 10 रुपये मीटर मिली थी। और अब जो है फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसको टर्न करना है जिससे हमारी लेस सीधी हो जाएगी और ये इनविजिबली अटैच होगी फ्रेंड्स, पीछे से हमारा फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना फैब्रिक को कट किए हुए पैनल वाली कुर्ती में लेसेस को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ही काम की है। जब हम पैनल को कट करके लेस को अटैच करते हैं तो फ्रेंड्स जो पीछे फैब्रिक होता है उसमें धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी इसी ट्रिक के साथ इस तरह से लेस को अटैच कर सकते हैं तो परफेक्टली अटैच होगी लेस। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी लेस अटैच हुई है। बस थ्रेड को आपको थोड़ा सा लूज रखना है लेस लगाते टाइम, और देखिए पीछे से इस तरह से ये इनविजिबल हो जाएगी, फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। तो आपको सेम इसी तरीके से दूसरी साइड लेस को अटैच करना है, सीधी साइड नीचे की तरफ करते हुए पहले सिलाई लगानी है, फिर फोल्ड करके हुए फिर से सेट कर देना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड जो लेसेस लगा ली। अब हम नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो नेक डिज़ाइन के लिए फ्रेंड्स मैंने बुकरम यूज़ किया जो 9 इंचज़ विड्थ वाली है, और इसकी लेंथ मैंने 15 इंचज़ कट किया फ्रेंड्स। ये पेस्टिंग वाली बुकरम है जो आसानी से प्रेस करने से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। तो सेंटर से फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स, और मैंने खुली हुई साइड बुकरम की अपनी तरफ की हुई है। ये नेक की विड्थ हमें 2.5 इंचज रेडी करनी है, तो मैंने 2.7 इंचज पे मार्क किया है, क्योंकि जो लेस की विड्थ है वो 2 पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया है। तो लेंथ मैंने इसकी 7 इंचज कट की है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 2.7 नीचे मार्क करते बॉक्स बना लेना है हमें पहले। और फ्रेंड्स सेंटर से मैंने 7 पॉइंट मार्क किया है, इतनी हमें बी शेप देनी है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अब जो है हम फ्रेंड्स राउंड शेप के लिए मैंने कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क लगाते हुए, जैसे हम सिंपली नेक की शेप ड्रॉ करते हैं वैसे मैंने शेप ड्रॉ की है। और फ्रेंड बॉटम साइड से जितना हमने ऊपर नेक लिया था उतना ही मैंने 7 इंच पे नीचे मार्क किया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेस जो है वो 2 पॉइंट विड्थ वाली है, तो बॉटम से मैंने 2 पॉइंट का मार्क लगाते हुए जो हमने 7 पॉइंट का मार्क लगाया था उसे हमें मैच करना है इस तरह से। और फ्रेंड्स आउटर नेक के लिए मैं 7 पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ। तो इसी तरह हमें ऑल अराउंड जो है नेक जो हमने ड्रॉ किया है उसके आगे हमें 7 पॉइंट मार्क लगा लेने हैं। देखिए इसी तरह से हम ऊपर भी 7 पॉइंट की मार्किंग कर देंगे राउंड नेक के अराउंड। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इसी तरह से हमें नेक की आउटर शेप को भी ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी राउंड शेप दी है, पहले हम जो है फ्रेंड्स हमेशा नेक की आउटर शेप को कट करते हैं। तो इस तरह से हम पहले आउटर मार्क के ऊपर हमारे नेक को कट कर लेंगे, फिर जो है हम इसके इनर वाले मार्क के ऊपर हमें कट करना है। तो देखिए हमारा नेक जो है कट हो गया है, कितना ब्यूटीफुली हमारा पैटर्न रेडी हुआ है। जितना ये सिंपल है उतना ही ये बनने के बाद अच्छा लगेगा। तो ये जो पोर्शन हमने सेंटर से कट किया है इसे आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसे हमें मार्किंग करनी है बाद में। तो अभी जो है मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया प्रेस से, और इसे साइड से हमें फोल्ड कर देना है।
और फ्रेंड जहाँ से हमारा ये राउंड नेक टर्न हो रहा है, जो कर्व बन रहा है, वहाँ पे मैंने कट लगाए थे जिससे हमें फोल्ड करने में फैब्रिक को आसानी होगी। तो ये कट मैंने दोनों साइड लगाए थे और इसका सेंटर मार्क कर लिया। और अब जो है हम कुर्ती के फ्रंट पैनल के ऊपर सेंटर मार्क मिलाते हुए पहले बड़े टंके से इसे अटैच कर लेंगे सेंटर से, और फिर हम सिलाई लगाएंगे जो हमने नेक की शेप बनाई है, डिज़ाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग। बस हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमें नेक को रेडी कर लेना है और फिर हम करेंगे कट और वी शेप के कट लगाएंगे फ्रेंड्स ऑल अराउंड। और जो फ्रेंड्स इसका बॉटम पार्ट है वहाँ पे हमें स्ट्रेट कट लगाने हैं कॉर्नर में, इसी तरह से, बस हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। और अब जो है हम नेक को फ्रेंड्स रॉन्ग साइड टर्न कर देंगे रफ स्टिच निकाल के। तो इस तरह से टर्न करना है और जहाँ से हमारा ये कॉर्नर बन रहा है वहाँ से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है इस तरफ नेक की तरफ बुकरम के ऊपर, और हमें टर्न कर लेना है। इससे हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत ही नीटली निकल के आएगा। और अब जो है फ्रेंड हमें इसे प्रेस कर लेना है। तो देखिए कितना परफेक्टली हमारा नेक बन गया है। और अब इसके ऑल अराउंड फ्रेंड्स मैं रफ स्टिच से एक सिलाई लगाऊंगी जो बाद में हम हैंड स्टिच करने के बाद, तरपाई करने के बाद निकाल देंगे। ये मैं सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें जब लेस को अटैच करेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेम ही लेस हम नेक के नीचे रख के अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें नेक के नीचे रखना है, जितना भी आपको डिज़ाइन लेस का शो करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सिलाई लगानी है। और फिर जब भी हम राउंड नेक पे सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से हमें लेस को थोड़ी थोड़ी दूरी से पकड़ना है और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से हम फ्रेंड्स इसको नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे। ये लेसेस जो है वो हर शेप में अच्छे से लग जाती हैं आसानी के साथ। और फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो है सिलाई को सिक्योर करके निकालना है। और फिर नीचे से जो हमारी लेस है उसे हमें कट कर लेना है, हमें थोड़ा सा बढ़ा के इसे कट करना है। और अभी हम बॉटम से ही इस लेस को ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है जो लेस की हमें साइड शो हो रही है ऊपर की तरफ वो सीधी होनी चाहिए। और सेम इसी तरह हम इस साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे ऊपर तक। तो जब तक मैं लेस लगा रही हूँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और फ्रेंड्स आजकल ये नेक का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने ये नेक का डिज़ाइन जो है इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ये वाला डिज़ाइन ट्राई करें। तो देखिए हमने लेस को लगा लिया है और इसके बॉटम में मैं सेम ही फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि जो सलवार है हमारी वाइट कलर की वो फैब्रिक यूज़ करूँ, पर उसे हमारी लेस शो नहीं होनी थी। सो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने सेम ही प्रिंट वाले फैब्रिक को ही मैंने यूज़ किया है और इंची टेप की हेल्प से ही मैंने ये सारी लाइंस ड्रॉ की और पीछे मैंने जो है फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया है। और फ्रेंड्स इसकी लेंथ जो 11 इंचेस है फ्यूज़ पेपर की, और ये जो टोटल मैंने फैब्रिक कट किया है वो 22 इंचेस लॉन्ग है और 3.5 इंचेस इसकी विड्थ मैंने कट किया है। और सबसे पहले हमें पिनटेक्स बनाने हैं, और अगर आप पिनटेक्स नहीं बनाना चाहते तो आप इसी तरह से फोल्ड करके भी फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एक के बाद पहले पिनटेक्स रेडी करेंगे। मैं बिल्कुल फैब्रिक को फोल्ड करके उसके एजेस पे सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पिनटेक्स रेडी हैं और मैंने इसे प्रेस भी कर दिया, और पीछे से मैं इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है बॉटम में। और जो मैंने नेक की शेप आपको कहा था कि फेंकेगा नहीं, इसी से हमारे नेक की परफेक्ट शेप बनेगी। हमें अंदाजे से फैब्रिक को अटैच नहीं करना है। सबसे पहले हम फैब्रिक के ऊपर करेंगे सेंटर मार्क, फिर इसी शेप को हमें इस तरह से प्लेस करना है मार्क मिलाते हुए सेंटर में, और इसके आउटर पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि यही हमारा मेन होगा जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे नेक को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं पहले फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, इससे आप भी इसी तरह से अगर ट्राई करेंगे ग्लू लगा के पहले नेक को फिक्स कर लेंगे इससे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी सिलाई लगाते टाइम।
देखिए इस तरह से मैंने निशान जो मैंने लगाए थे उसके पीछे की तरफ मैंने ग्लू लगाई है, और इन्हीं मार्क के ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसी के अकॉर्डिंग मैंने नेक को सेट करके रखा है। फ्रेंड्स जब भी हम डीप नेक बनाते हैं इस तरह की डिजाइनिंग करते हैं तो जो हम नेक कट करते हैं सेंटर में से उसी से हमें ये मार्किंग करनी होती है। यही सही तरीका है जब भी हम नेक की डिजाइनिंग करते हैं, इससे हमारा नेक जो परफेक्ट शेप में रेडी होगा। और अब मैंने थोड़ी सी इसे थोड़ा देर सूखने के लिए रखा था जिससे हमारी ग्लू ड्राई हो जाए, आप चाहे तो प्रेस से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर जो है सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए अभी जो है कितनी आसानी के साथ हम ये सिलाई लगा रहे हैं। आप अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप पिन अप करके भी इसे सेट कर सकते हैं फैब्रिक को। तो दोनों साइड से फ्रेंड्स आपको सिलाई को सिक्योर करके निकालना है। तो देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक रेडी हुआ है। अगर आपको नेक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके सेंटर में फ्रेंड्स मैं बीड्स अटैच करूँगी वाइट, अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो बीड्स हैं वो एक साइड से प्लेन है फ्रेंड्स, तो पहले मैं बिल्कुल सेंटर पे ग्लू से एक एक डॉट बना लूँगी। और अब इसी ग्लू के ऊपर हमें जो हमारे बीड्स हैं उसे सेट करके रख लेना है फ्रेंड्स। ये स्टिचिंग मटेरियल वाली शॉप में मैंने लिए थे, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं, आप भी बाय कर सकते हो और ऑनलाइन भी मिल जाएंगी ये आपको बीड्स। तो पहले हम इसको इसी तरह से लगाएंगे और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो हम इसे नीडल की हेल्प से भी इसे पक्का कर लेंगे बटन्स हमारे जो मैंने बीड्स यूज़ किए हैं। और फ्रेंड ये तो फ्रेंड इसी तरह हमें बीड्स को लगाना है और इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे और इसके साथ साथ हम जो है हमारे घेरे के लिए डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो ये इस तरह से लुक आएगी हमारी, सिंपल सा है और बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीछे से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है फ्रेंड इसके जो बैक साइड थी। तो देखिए प्लीट्स हमारी इस तरह से जो मार्क वो है थोड़े हल्के हो गए हैं तो मैंने ये सेट कर लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो है हमारी प्लीट्स को भी रेडी कर लेंगे क्योंकि हमने जो डिज़ाइनिंग करनी थी लेसेस के साथ ऊपर वाले पोर्शन में वो कंप्लीट हो गई हैं। पर लेकिन मैं सबसे पहले जो हमारे बॉटम घेरे में जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो रेडी करूँगी। तो मैंने व्हाइट फैब्रिक जो सलवार वाला फैब्रिक था उसी में से फैब्रिक कट करके उसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया। ये 2.5 inches विड्थ वाला है और 25 inches लॉन्ग है जितनी हमारा घेर रेडी है, और इंची टेप की विड्थ के अकॉर्डिंग ही मैंने ये लाइंस बनाई हैं फ्रेंड्स। और जो सेंटर की दो लाइंस है वहाँ पे हमें पिनटेक्स बनाना है सेम वैसे ही जैसे हमने नेक के ऊपर रेडी किया था, बिल्कुल एजेस पे मशीन चलाएंगे और दोनों पिनटेक्स फ्रेंड्स हमें रेडी कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम दूसरे पिनटेक्स को भी बना लेंगे। और फ्रेंड्स इसे हमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स इसके दोनों साइड हम हमारी लेस को यूज़ करेंगे, तो सीधी साइड नीचे की तरफ करनी है और इसके साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। और फ्रेंड्स सेम ही इसी तरीके से हम लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ करते हुए इस तरफ की सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हमें लेस को पलटना है दोनों साइड से और इसे हमें कर लेना है फ्रेंड्स प्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी हमारी ब्यूटीफुल पट्टी रेडी हुई है। और ये जो पट्टी हम घेरे में अप्लाई करेंगे तो मैंने 6 inches के डिस्टेंस पर बॉटम से मार्किंग की हुई है, प्रेस करके क्रीज बनाई हुई है उसी के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे और अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले बॉटम से सिलाई लगाएंगे और फिर हम सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसे लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बॉटम के घेरे में लेस अटैच हो गई है और मैंने प्लीट्स भी फ्रेंड्स बना ली थी।
और यहाँ बॉटम में हमें घेरे पे भी लेस को अटैच करना है। तो इस तरह से जो हमने फोल्डिंग हमारी रेडिंग मार्क है उसी के ऊपर हमें इस लेस को रखेंगे। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने व्हाइट पट्टी का पैटर्न रेडी किया है कुर्ती में, वैसा ही मैंने स्लीव्स के लिए भी रेडी किया है। उसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी थी और 1/2 इंच के डिस्टेंस पे मैंने मार्किंग करके प्लीट्स बनाई थी सेंटर में। तो सेम ही प्रोसेस थी वो वीडियो, मैंने एडिट नहीं किया स्लीव्स की क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी। तो वो जो विड्थ रेडी की थी वो मैंने 1.5 इंच की रेडी की थी और लेसेस सेम अप्लाई की थी। तो मैं इस बॉटम में जो घेरा है मैंने वो इसको गुम नहीं किया, मैंने ऐसे ही रखा और पीछे से हम तरपाई कर देंगे। तो ये मैंने प्लीट्स भी बना रही हूँ, फिटिंग भी लगा ली और ये है इसकी फाइनल लुक। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना है और फ्रेंड्स इसकी कंप्लीट लुक बहुत ही अच्छी आई है। और ये कुर्ती मैंने मम्मी के लिए बनाई है, उनको भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह मिलेंगे हम हमारी नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।